वेलकम टू टेकबल्क। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर का मैक एड्रेस चेंज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते रहिए टेकबल्क। मैक एड्रेस एक 48 बिट का नंबर होता है जो किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई के हार्डवेयर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। मैक एड्रेस के पहले 6 डिजिट मैन्युफैक्चरर को पहचानते हैं, जिसे हम OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर भी कहते हैं, और बाद के 6 डिजिट NIC को रिप्रेजेंट करते हैं जो बताते हैं कि यह कौन सा डिवाइस है लाइक राउटर, कंप्यूटर या फिर प्रिंटर है। किसी भी नेटवर्क से जुड़ने के लिए राउटर आपके डिवाइस का मैक एड्रेस स्टोर कर लेता है, और कई बार नेटवर्क एडमिन आपके डिवाइस का मैक एड्रेस ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, जिससे आप उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाते। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं आप अपने डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे विंडो प्लस आर और CMD को ओपन करना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक कमांड डालनी होगी, /all। और देखिए ये मेरा मैक एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, और अब मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो आइए करते हैं इसे चेंज। यहाँ से मैं ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन कीजिए, उसके बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग पर आपको जाना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपने ईथरनेट और वाईफाई इंटरफेस दिख जाएंगे। उसके बाद आपको ईथरनेट पर जाकर प्रॉपर्टीज पर जाना है। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर पर जाना है। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आपको एडवांस पर जाना है, और उसके बाद आपको नेटवर्क एड्रेस पर जाना है। नेटवर्क एड्रेस पर आने के बाद आपको वैल्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ से कोई भी रैंडमली मैक एड्रेस डाल देना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ 6C5B9E L7AB58, और यहाँ से कर देना है ओके। तो अब आप देखेंगे तो आपका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम फिर से CMD को ओपन करते हैं, +R CMD। उसके बाद हम दोबारा से वही कमांड डालेंगे, /IP config /all। और आप देख सकते हैं कि आपका नेटवर्क इंटरफेस यानी मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।